सिंधिया समर्थक मंत्री शिवराज के रडार पर, सिंधिया समर्थक मंत्रियों से वापस लिए जा सकते हैं महत्वपूर्ण विभाग। मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर गिरेगी गाज। फरवरी के आखिर में होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 10 महीने का भी समय नहीं बचा है। अक्टूबर की शुरुआत में ही चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। 2018 में दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी गई थी और इस समय जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। 2018 में बीजेपी ने कई विधायकों के टिकट काटने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन बगावत के डर से पार्टी पीछे हट गई, जिसका उसे नुकसान भी हुआ है और सत्ता की लड़ाई में वो कांग्रेस से थोड़ा पीछे रह गई। जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया था, इसलिए 15 महीने बाद ही बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। हालात इस बार भी 2018 जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी 2018 वाली गलती करने को तैयार नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश में भी गुजरात फार्मूला लागू करने की तैयारी हो गई है। गुजरात फार्मूला पूरी तरह से लागू नहीं हुआ क्योंकि वहां पूरी की पूरी सरकार ही बदल गई थी। मध्य प्रदेश में सरकार का आधा चेहरा बदलेगा, आधा पुराना ही रहेगा। टिकट वितरण में जरूर 100 उम्मीदवार बदलने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे एंटी इनकम्बेंसी कम की जा सके। इसे लेकर पहला कदम एक महीने में ही उठाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह में शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। यह विस्तार 25 फरवरी के बाद होगा, यह साफ हो गया है, क्योंकि 25 फरवरी तक बीजेपी प्रदेश में विकास यात्रा निकालने की रणनीति बना चुकी है। इस समय मंत्रिमंडल में 4 सीटें खाली हैं, लेकिन विस्तार में 15 से 18 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। 10 से 14 मंत्रियों से इस्तीफा लेने की तैयारी भी हो रही है और सबसे बड़ी बात यह कि गाज सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर गिरती दिख रही है। कांग्रेस में सिंधिया समर्थक विधायकों की संख्या 1.5 दर्जन के करीब है और इसमें से 9 के पास मंत्री पद है और इनमें भी एक समाज के लोगों की भरमार है। मंत्रिमंडल में 30% से ज्यादा मंत्री क्षत्रिय समाज के हैं। दूसरा ग्वालियर चंबल रीजन से मंत्रियों की भरमार है, जबकि विंध्य मालवा और निमाड़ का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। ऐसे में जिन दर्जन भर मंत्रियों से इस्तीफा दिए जाने की चर्चा चल रही है उसमें से 3-4 मंत्री सिंधिया समर्थक बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि नए बनने वाले मंत्रियों में सिंधिया समर्थक मंत्री 1 या 2 ही हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार ओबीसी दलित और आदिवासी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से ही बहुत ज्यादा हो गया है, उसे कम किया जाएगा। बीजेपी सोर्सों ने बताया कि मौजूदा कैबिनेट में 6 मंत्री रडार पर हैं। इसमें बुंदेलखंड के 2, मालवा निमाड़ से 1, ग्वालियर चंबल संभाग से 1, मध्य भारत से 1 और विंध्य से 1 मंत्री शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के दौरे में साफ कर दिया था कि सबको अपना अपना काम निष्ठा से करना होगा। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि उन मंत्रियों के विभाग बदले सकते हैं जिनके पास भारी भरकम विभाग है। मंत्रिमंडल विस्तार की खबर मिलने के बाद से ही सिंधिया समर्थक मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। दूसरी ओर सिंधिया की कोशिश है कि उनके समर्थक मंत्री मंत्रिमंडल में विस्तार में कोई असर न पड़े और अगर किसी को हटाया भी जाता है तो उनकी जगह उनके दूसरे समर्थक विधायकों को मंत्री बना दिया जाए। सिंधिया खेमे के जजपाल सिंह जज्जी और मनोज चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जज्जी को दलित कोटे जबकि चौधरी को क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए एंट्री दिलाई जा सकती है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं क्या बीजेपी हाईकमान चुनावी साल में कोई रिस्क लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।